दूसरी कोशिश ये रहती, जैसे आपने बात की सुनील पाल, वीआईपी, राजू श्रीवास्तव, इन लोगों के साथ मैं वो काम करता हूँ कि जहां पर हम शब्दों के मोहताज नहीं होते और स्पॉन्टेनियस होता है, हमारा कुछ प्री प्लान नहीं होता कि ये करना वो करना है, डायरेक्ट हम लोग रोल करते हैं, तो वो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग रहता है और वो फिर एज एन एक्टर हम ग्रो करते हैं ये सब चीजों से। नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत। एक बार फिर आपका स्वागत है डीसी शो में। हम आपके लिए लेके आते हैं हर बार एक ऐसी शख्सियत जिनकी आप प्रशंसक हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, जिनको देख के आप हंसते हैं, जिनके एक्ट को देखकर आप इमोशनल होते हैं, जिनके कामों को देखकर आप इंस्पायर होते हैं कि कैसे आपको अपने जीवन में स्मूथली सक्सेसफुल तरीके से आगे जाना है। तो आज हमारे साथ ऐसी ही एक डायनेमिक शख्सियत है जिनके बारे में मैं अगर ये कहूं कि एडवर्ड, जो प्रचार की एक जो दुनिया है, एड्स में जो बनते हैं, तो एड्स में अगर किसी को कॉमिक चेहरा आता चाहिए तो उसके लिए एक ही नाम उसके जहन में आता है और वो नाम है द वन एंड ओनली राजकुमार कन्नौजिया। वेलकम राजकुमार जी, आपका शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो वेरी मच दुष्यंत भाई फॉर हैविंग मी इन योर शो, एंड आई एम रियली ग्लैड एंड ऑनर्ड कि मैं आपने मुझे आमंत्रित किया है शो में। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ अपने आपको। बिफोर स्टार्ट, मैं सोचता हूँ कि जो राजकुमार कन्नौजिया का जो टैग लाइन है याहू, तो वी कैन स्टार्ट विद द याहू। सो आई सेड 1 2 3 4 पे वी कैन स्टार्ट विद द याहू। 1 2 3 एंड याहू। वाओ, एक ऐसी खूबसूरत और जिंदा दिल शख्सियत जिसे देख के सब लोग खुशी से भर जाते हैं, दोस्तों के दोस्त। और आप सबको मैं एक खास बात बता दूंगी, अगर आपको राजकुमार कन्नौजिया को पकड़ना है तो मुंबई के उपनगर अंधेरी के जो लोखंड वाला एरिया है उसकी कॉफी शॉप में आप चक्कर मारते रहिए, कभी ना कभी आप इनको पकड़ लेंगे। तो राजकुमार, आपकी कैरियर की अगर हम बात करें तो आपने अभिनय की तो सारे जितने भी विधा हैं तकरीबन सब कुछ हुआ है, चाहे वो थिएटर हो, चाहे एडवर्ड हो, चाहे फिल्म में हो, टेलीविजन हो, नुक्कड़ नाटक हो, स्टेज हो, स्टैंड अप कॉमेडी हो, तकरीबन हर विधा को आपने छुआ है। तो बिफोर हम लोग इससे पहले आपके करियर के बारे में बातें करें, मैं आपके चाइल्डहुड के बारे में जानना चाहूंगा आपसे कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई, बचपन का कुछ मीठी यादें आप अबाउट योर स्टडी, वो मैं आपसे चाहूंगा कि आप हमारे जो दर्शक हैं उनके साथ शेयर करें। मैं यूपी में पैदा हुआ हूँ, मेरी मम्मी के ननिहाल में, यूपी अलीपुर नाम की जगह है जो कि हरदोई के पास है, वहां पर जन्मा और मैं मात्र 2 महीने का था, तो मैं यहाँ ले आया गया मुंबई, और तब से मैं मुंबई कर हो गया। और अब हमारा यूपी से इतना सरोकार नहीं रहा, सब कुछ यही है हमारा, तो और फिर स्कूलिंग कॉलेज सब कुछ यहाँ हुआ, तो स्कूल से ही मेरा इस तरफ रुझान हो गया था एक्टिंग की तरफ, फिर स्कूल, इंटर स्कूल, फिर कॉलेज, इंटर कॉलेज, और फिर मैंने प्रोफेशन संजना कपूर, मकरंद देशपांडे, इनके साथ थिएटर किया, पृथ्वी थिएटर से जुड़ा मैं, और फिर करते 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 करपुरा के, और मैंने एक मेरी विशेषता है, मैंने 5 लैंग्वेज में थिएटर किया है, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी और कच्छी, तो 5 लैंग्वेज वाह, थिएटर किया है मैंने, और भी मुझे मुझे टोटल 9 लैंग्वेज आती है दुष्यंत भाई, ये और ये पूरा क्रेडिट जाता है श्रेय मुंबई को, चूंकि मैं मुंबई का हूं तो यहाँ हर तरह के लोग होते हैं, तो उस लिहाज से मैं मुंबईकर हूं। तो इससे पहले कि आगे हम बात करें, आपकी जो 9 लैंग्वेज आपको आती है उन 9 लैंग्वेज आप बताइए मैं मुंबईकर हूं बोलकर। हिंदी का तो हो गया मैं मुंबईकर हूं, मैं मुंबई का हूँ, मैं मुंबई का रहा है, मराठी, जो मुंबई का नाला है ये कच्ची है, फिर हाउ मुंबई का हाउ ये है कोंकणी, ये कोंकणी में मेरा बाय द वे अभी एक मैंने ऐड भी किया है जो कि बहुत प्रचलित हुआ है गोवा में, तो वो गुजराती है, फिर बाद में मारू हूँ मुंबई कर छू ये गुजराती हो गया, फिर आया मुंबई कर इंग्लिश, फिर कितल अपल, कितल कितल अपल मुंबई का रोशांटे ये फ्रेंच ओह ग्रेट ग्रेट ग्रेट। वाह, तो अभी हमने सुना राजकुमार अन्ना को और उसके साथ में जो एक कैंपेन चल रहा है आई लव मुंबई। तो एज एन डायरेक्टर, एज एन आर्टिस्ट, एज एन आर्टिस्ट वी सेड कि आई लव मुंबई, वी लव मुंबई, मुंबई इज बेस्ट सिटी फॉर द आर्टिस्ट, एक बहुत शानदार, और वहां इतने अच्छे अच्छे लोग रहते हैं जिनसे सारी दुनिया फिल्मों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, वेब माध्यम से बातें करती है। तो आप एक पारिवारिक व्यक्तित्व हैं राजकुमार, और अपनी माँ के आप बहुत क्लोज हैं, मुझे मिलने का भी सौभाग्य मिला नहीं,
बहुत जल्दी ही मिलूंगा, लेकिन मैंने बहुत किस्से सुने हैं कि आपके दोस्त देयर आपकी बजाय वो आपके मम्मा के ज्यादा क्लोज हैं, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ, उनकी ब्लेसिंग्स लेने वो जाते रहते हैं अपना, तो कुछ माँ से जुड़ा एक कोई सबसे इमोशनल पहलू जो आपको बहुत पसंद हो, जो आपको गुदगुदाता हो, वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। देखिए मम्मी के तो ऐसे बहुत से किस्से कहानियां हैं, और मेरी मम्मी की विशेषता यह है कि मम्मी जब आई यहाँ तो लैंग्वेज बहुत जल्दी पिकअप करती है, मुझसे ज्यादा लैंग्वेज मेरी मम्मी को आती है। oh. और बहुत जल्दी से लैंग्वेज पकड़ लेती है, यहाँ आते ही कब गुजराती मराठी सब सीख गई, पता भी नहीं चला, जबकि भोजपुरी बोलने वाली और गांव की देहाती। और बाद में बता दूं मेरी मम्मी ने स्कूल का भी मुंह नहीं देखा है, पढ़ी लिखी नहीं है, स्कूल कभी गई भी नहीं है। और कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि शायद जो एक्टिंग के गुण थोड़े बहुत आए हैं वो मेरी मम्मी से ही प्रेरित हो सकते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी की अक्सर आदत है कोई घर पर आता जाता है तो मिमिक करके बताती है कि ऐसा बोल रहा था, तो शायद वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मेरे अंदर वो गुण आ गए, तो श्रेय मम्मी को ही देना चाहूंगा। और इसके अतिरिक्त वो खाना बहुत अच्छा बनाती है, फिर चाहे वो वेज हो या नॉन वेज हो, बहुत अच्छा खाना बनाती है, और एक वाकई बहुत और बहुत अच्छी हाउसवाइफ रही है, बहुत अच्छी मम्मी रही है, बहुत अच्छी दादी रही है, तो सारी भूमिका अपने अपने स्तर पर बहुत अच्छा निभाया है, तो आई एम रियली प्राउड ऑफ माई मदर। एज एन आर्टिस्ट राजकुमार कौरजिया का वो पहला सबसे मेमोरेबल काम जिसे करने के बाद उन्हें लगा कि नाउ आई एम लिटिल बिट एस्टैब्लिश एज एन आर्टिस्ट, वो मेरा पड़ा था स्टाइल फिल्म, जो कि मेरी चौथी फिल्म थी, और स्टाइल एक ऐसी फिल्म थी, एन चंद्रा ने मेरा एक एड देखा जिन्होंने बनाई थी जी, और चंद्रा साहब ने मेरा एक एड देखा था स्टार प्लस का, जो कि बहुत मकबूल हुआ था वो एड, वो टीवी हिस्ट्री का अब तक का दुष्यंत भाई सबसे बड़ा एड है, 3 मिनट का एड था, अब तक इतना बड़ा एड आया, लोगों स्टार चैनल के लिए एड था जो कि सारे चैनलों पर चलता था, ये तब की बात है जब बच्चन साहब का केबीसी के प्रोमो चलने लगे थे, केबीसी शो नहीं आया था, प्रोमो चलने लगे और उनके साथ साथ मेरा भी एड चल रहा था, मेरे होर्डिंग्स भी लगे थे, तो उस एड से मेरी लाइफ टर्न हुई, उस एड से चंद्रा साहब मुझे बुलाया और स्टाइल फिल्म दी, और स्टाइल एक ऐसी फिल्म है जो मेरे लाइफ की टर्निंग पॉइंट रही, वो काफी सुपर टूपर हिट रही फिल्म, काफी मतलब बहुत ज्यादा एक फिल्म के माध्यम से ऐसा मतलब इंडिया में ऐसा कोई शहर नहीं है जहां पर मुझे ऐसे चीफ गेस्ट नहीं बुलाया गया, मतलब कहने मतलब मैं मुझे काफी लिफाफे मिले उस फिल्म के जरिए। ग्रेट ग्रेट, देखिए वो कहते हैं ना कि भूखे भजन में हुए गोपाला, तो डेफिनेटली लिफाफे की बड़ी भूमिका है, और मैं तो कहूंगा ऐसे लिफाफे आपको मिलते रहे, कंटिन्यू मिलते रहे मिलते रहे मिलते रहे। आप मुझे 5 अपने सबसे मेमोरेबल काम वो बताइए, 1 2 3 4 5 5 स्टाइल, 1 2 3 1 2 3 एक फिल्म का नाम है, फिर हासिल, हासिल मेरे बहुत करीब फिल्म थी, हासिल एक ऐसी फिल्म जिससे मैं बहुत अटैच हूँ, और उस फिल्म के चलते अंदर का कलाकार, यस यस, हासिल तिग्मांशु धूलिया की, उसके चलते मैं 3 फिल्मों का बलिदान दिया था, 3 फिल्म छोड़ करके मैंने वो फिल्म की थी, तो वो मेरे लिए बहुत और बहुत अच्छा मेरा अब तक का वाइज डिसीजन रहा वो फिल्म करने के पीछे, तो हासिल है। फिर बाद में मुझे धूप नाम की फिल्म आई थी जिसे नेशनल अवार्ड मिला था, वो फिल्म में भी मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके, और फिर मुझे एक मेरी फिल्म आई थी हो सकता है, जो कि विल्सन लुई की फिल्म थी, वो एक फिल्म में मुझे काम करके वाकई बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि इसमें मेरा ऑथरबैक रोल था, तो और एक मैंने फिल्म की थी हाउ वी स्वाव, जिसमें कि मैं और नत्था पैरेलल लीड में थे, और वो फिल्म जियो सिनेमा में अवेलेबल है, हम दोनों हीरो है इसमें, और वो बहुत ही मतलब मेरे दिल के करीब फिल्म है, क्योंकि उसमें एज एन एक्टर हमको छोड़ दिया गया था, और एक सपना रहता हर एक एक्टर के सारे फ्रेम में मैं दिखूं, तो सारे फ्रेम में मैं ही मैं था, तो अच्छा था, एक डायरेक्टर की तरफ से फ्रीडम था, तो मजा आया उस फिल्म में काम करके, तो ये 5 फिल्में हैं। हर कलाकार का एक ड्रीम होता है उसका जब वो काम करता है, जैसे बतौर डायरेक्टर मेरा भी ड्रीम है, मैं किन किन साथ काम करना चाहता हूँ, ऐसे बतौर कलाकार आपका भी वो ड्रीम कौन सा अधूरा है, कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं अभी और जो अभी बचा? हाँ, डायरेक्टर अगर कहे तो आई वुड लव टू वर्क विद, मतलब एकदम 2-4 नाम है जिसमें से सुजीत सरकार मुझे बहुत पसंद है, उनके साथ मुझे काम करना है, सुजीत सरकार के साथ, फिर बाद में मुझे बंगाली सिनेमा करना है, बंगाली में एक लेडी डायरेक्टर है, मेरी बड़ी तमन्ना बंगाली फिल्म करने की, okay.
और मुझे हॉलीवुड में काम करने की बहुत इच्छा है। हालांकि मैंने एक हॉलीवुड फिल्म कर चुका, मैंने 6 इंटरनेशनल फिल्में की है, एक जर्मन फिल्म की है, स्पेनिश फिल्म की है, जब उसमें इंडियन कैरेक्टर्स जो होते दुष्यंत भाई जी। तो वो मैंने किए है, किसी में 2 सीन, किसी में 5 सीन, तो वो बहुत अनोखा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन मुझे प्रॉपर हॉलीवुड की फिल्म करनी है, वो मेरे को एक है मुझे करनी है। हालांकि मैं माइकल कैरन के साथ काम कर चुका हूँ, माइकल कैरन जो कि अच्छे डायरेक्टर, वहां के जाने माने डायरेक्टर हैं, लेकिन मुझे और भी वहां काम करना है। राइट, ग्रेट। एक ऐसा शख्स जिसने अपने हर सपने को पूरा किया, लेकिन उसके सपनों की उड़ान मैं देख रहा हूं कि अभी बहुत उड़ान बाकी है, बहुत भूख बाकी है एज एन आर्टिस्ट। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा राजकुमार के बारे में, क्योंकि मेरे ही बहुत से मित्र हैं, ये सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, और आप इन्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, इनको फेसबुक पे फॉलो कीजिए, इनको यूट्यूब पे फॉलो कीजिए, और अभी इन्होंने अपने इनके जो और जो हास्य जगत के जो दिग्गज हैं और ये दोस्तों के दोस्त हैं, तो उनके साथ ये बहुत सारे हंगामे करते रहते हैं। इवन ये एक ऐसा गैंग है पूरा, सुनील पॉल, राजकुमार कनौजिया, अशोक एंड अशोक का हमारे बहुत से दोस्त हैं, और राजू श्रीवास्तव, ये लोग जहां बैठते हैं हमारे एक एपिसोड तैयार कर लेते हैं, चाहे वो कॉफी शॉप हो, चाहे घर हो। तो आप इन्हें बहुत कई तरीकों से पकड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं देखता हूं कि आपके जो एक्ट होते हैं बहुत ही मीनिंगफुल, बहुत ही प्यारे, बहुत ऊर्जा से लवरेज, और मैं देखता हूँ आप कहीं भी रहते हैं तो उस कोने को ही आप अपने एक्ट का हिस्सा बना लेते हैं, लेकिन दैट एक्ट इज मोर यू नो क्लोजर विद द 70s, 80s और 19 era, ये जो 70, 80 और 90 का जो दौर है कला जगत का, उनके बहुत क्लोज होते हैं, जबकि राजकुमार कनौजिया आज के दौर में काम कर रहे हैं। तो ये कौन से राजकुमार कनौजिया की पसंद है, एक आर्टिस्ट राजकुमार कनौजिया जो, या आज का जो कलाकार है राजकुमार कनौजिया, वो ये बताना चाहता है कि नहीं, मैं उस दौर को भी जी सकता हूं। तो एग्जैक्टली इस सबके पीछे राज क्या है? देखिए, जहां तक कि आप अगर इसकी बात कर रहे हो जो मैं रील्स में डालता हूं इंस्टा के, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जो मुझे स्क्रीन में करने नहीं मिल रहा है, जैसे कि रोमांस मुझे स्क्रीन में करने नहीं मिलता है, तो वो मैं रोमांटिक एंगल यहाँ डालता हूँ यहाँ, और जो फिर बाद में मुझे जो भी जितने भी रस जो मुझे स्क्रीन में करने नहीं मिलता, वो यहाँ करता हूँ मैं। और दूसरी कोशिश ये रहती है, जैसे आपने बात की सुनील पाल, VIP, राजू श्रीवास्तव, इन लोगों के साथ मैं वो काम करता हूँ कि जहां पर हम शब्दों के मोहताज नहीं होते और स्पॉन्टेनियस होता है, हमारा कुछ प्री प्लान नहीं होता है कि ये करना वो करना है, डायरेक्ट हम लोग रोल करते हैं, तो वो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग रहता है, और वो फिर एज एन एक्टर हम ग्रो करते हैं ये सब चीजों से। तो इसलिए मेरा मकसद रहता है कि ये हम ऐसा पहलू छुए रील के माध्यम से जो हम स्क्रीन पर नहीं करते हैं अब तक। वाओ तो यहाँ मैं एक ऐसे आर्टिस्ट से बात कर रहा हूं जिसे अपनी कला की प्यास हर हालत में बुझानी है, चाहे उनका ओन प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो बड़ा पर्दा हो या छोटा पर्दा हो। वेरी गुड। मुझे एक और बात बताइए, एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि आप एक एक, एक एक दौर को जी रहे हैं और उससे पहले एक दौर को जी चुके हैं, जो नए आने वाले आर्टिस्ट हैं, आप उनको किस शब्दों में कैसे बताना चाहेंगे कि एजुकेशन एक एक आर्टिस्ट के लिए कितना जरूरी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये बड़ी विडंबना है हमारे फिल्म क्षेत्र की कि इसमें कोई सर्टिफिकेट या ऐसा वैसा कोई मतलब एक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, तो हमारा भी सेल्फ लेकिन यहाँ कोई वैसा है नहीं, मापदंड नहीं है। इसलिए मेरा मानना ये है कि जो भी नया आता है, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ नए लोगों को कि सबसे पहले तो आप एजुकेशन पूरा करें, क्योंकि एजुकेशन बहुत जरूरी है। मैं खुद एक बीकॉम ग्रेजुएट हूँ, आपका एजुकेशन होना बहुत जरूरी, वो एजुकेशन आपको काम आता है। और दूसरी बात, आपका शब्दकोश का भारी होना बहुत जरूरी है, अगर शब्दकोश अच्छा है तो ही आप डायलॉग याद कर पाओगे और इम्प्रोवाइज कर पाओगे, लेकिन उसके लिए शब्दकोश का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आप अध्ययन करें, बहुत ढेर सारी किताबें पढ़ें, ये बहुत जरूरी है, लेकिन ये सब नजरअंदाज करते हैं। एक्चुअली दुष्यंत भाई, प्रॉब्लम ये हमारे यहाँ एक्टरों का कि पूरी तैयारी करते नहीं है और आ जाते हैं, शब्दकोश अच्छा नहीं होता, हिंदी नहीं ढंग की बोल पाते हैं, और यही वजह है कि फिर वो लोग डायलॉग भूल जाते हैं। इसलिए आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि प्लीज जो कुछ भी, जो कोई भी इस फील्ड में आता है, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री सबका स्वागत करती, बशर्ते आप अगर प्रिपेयर्ड हो, फुल्ली प्रिपेयर्ड हो, तैयार हो आप, तो आपका स्वागत होगा, लेकिन अन्यथा फिर आपका यहाँ
मतलब लक आजमाना मुझे लगता है कि मतलब काबिले तारीफ होगा, वो व्यर्थ हो जाएगा। व्हाट अबाउट योर अपकमिंग्स, आपके और आने वाले भी प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं? जी अभी मेरी एक वेब सीरीज आएगी जिसका नाम है मुल्ला नसरुद्दीन, जो कि पहले रघुवीर यादव किया करते थे। हिस्टोरिकल टीवी सीरीज, वो अभी वेब सीरीज में तब्दील हो रहा है, जो कि एक बहुत अच्छे एड फिल्म मेकर है कुणाल रंजन, वो कर रहे हैं मुल्ला नसरुद्दीन। और आपको जानकर के अच्छा लगेगा, टाइटल रोल मुल्ला नसरुद्दीन मैं कर रहा हूँ। ग्रेट ग्रेट, तो ये एक है। और दूसरा साजन अग्रवाल भाई का एक आ रहा दबंगई, जो कि एमएक्स प्लेयर पर आएगा, एक वेब सीरीज से वो आएगा। और मैं प्ले कर रहा हूँ दुष्यंत भाई, अभी कोविड के चलते चूंकि शूटिंग नहीं हो पा रही है, तो आजकल मैं प्ले की रिहर्सल कर प्ले कर रहा हूँ। इमरान शाहिद का नाम सुना होगा आपने, जो कि लव गुरु थे रेडियो में, जो लव गुरु आता है उसके राइटर कॉन्सेप्ट, तो इमरान शाहिद मुझे बना लेकर के मैं प्ले कर रहा है द मिसाइल मैन, मिसाइल मैन, जिसमें मैं एपीजे अब्दुल कलाम भूमिका कर रहा हूँ। और ये मोनोलॉग है दुष्यंत भाई, ये मोनोलॉग है और मैं अकेला उसमें कलाम बना हूँ। और बहुत अच्छा, और अच्छी बात यह कि रिहर्सल करते करते ही इमरान भाई को कोई एक फाइनेंसर मिल रहा है, तो शायद ये फिल्म में भी तब्दील हो, तो वो एक मेरा बहुत एक मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर कलाम मैं करता हूँ और फिल्म अगर बाहर आती है तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती मेरे लिए। ग्रेट ग्रेट। और कौन सी पिक्चर है आपकी जाने वाली? और है मेरी एक शतरंज है, जिसके बहुत ही काबिल डायरेक्टर है और वो ठीक मेरे सामने रूबरू बैठे हैं, दुष्यंत प्रताप सिंह, वाकई बहुत ही सच है। मैं ये आप श्रोताओं को बता दूं कि मैं इनको आई एम नॉट ट्राइंग टू फ्लैटर हिम, नीदर आई एम एग्जैजरेटिंग, बट सच में दुष्यंत भाई आपकी विशेषता ये है कि जब आपको मालूम है कि एक्टर आपने कास्ट कर लिया है तो फॉर यू हैव द बैटल वन, और आपको फ्रीडम देते हो, तो ये आपकी बहुत बड़ी विशेषता, आप फ्रीडम देते हो एक्टर को, आप छूट देते हो। मुझे इतना अच्छा लगा कि कई सारे जहां स्कोप मिला मैंने इम्प्रोवाइज किया और आपने उसको स्टैम्प दिया, अच्छा लगा आपको, तो मुझे उससे ज्यादा अच्छा लगा कि मुझे एक ऐसा डायरेक्टर मिला जो मुझे फ्रीडम दे रहा है। बट एज एन आर्टिस्ट मैं तारीफ करना चाहूंगा, सबकी नहीं लेकिन स्पेशली आपकी, स्पेशली हितेन की, स्पेशली शावर की, स्पेशली हेमंत पांडे की, कि जहां पे मैंने आपसे बोला कि नाउ आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं और आप एक फ्रीडम में यू कैन एक्ट, मैं आपके अंदर का जो एक्सपीरियंस है उसका फायदा मैं अपनी फिल्म उठाना चाहता हूं, तो आपने जो मेरी सोच थी उससे दोनों खूबसूरती से उसको निभाया। और जो सबसे जो शानदार जो वो था कि जब हम लोग एक ग्रुप में होते थे सब लोग, तो कई बार तो स्क्रिप्ट के पन्ने भूल जाते थे हम लोग, बना लो ये कर लो ठीक है ऐसे करके, वो जो 10 केवल डायलॉग होते थे वो कब 25 में तब्दील हो जाते थे और बड़े कमाल का जेस्चर सामने आता था। और वो ब्यूटी में मुझे सबसे बड़ा फायदा हुआ कि जब मैं फिल्म एडिट कर रहा था तो मेरे पास ह्यूज स्टॉक था एडिट करने को, तो मैंने बहुत मन से बहुत ही, तो आमतौर पे स्क्रिप्टेड फिल्म होती है तो आपको एक सोच होता है कि ठीक है मैं एडिट कर दूंगा, बट मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, आप भी जब डबिंग पे अभी आओगे तो आपको लगेगा मैं ये बड़ी ऑर्गेनिक फिल्म देख रहा हूँ, क्योंकि उसमें स्क्रिप्टेड डायलॉग कम है, ऑर्गेनिक डायलॉग ज्यादा रखे हैं मैंने। आपको अच्छा लगेगा। एनीवेज एक और खासियत है आपका, मतलब बेस्ट पार्ट क्या है दुष्यंत भाई, आप है ना कंफर्ट जोन बनाते हो सेट पे, एंड यू आर एक्टर्स डायरेक्टर, तो वो इतनी अच्छी बात है, एक्टर बहुत कंफर्टेबल रहता है आपके साथ, तो जब कंफर्टेबल एक्टर रहता है और उसके सर पर कोई बर्डन नहीं होता कुछ, तो जाहिर सी बात है वो दिखेगा ही कैमरा के सामने, और यही वजह है कि तरीके से परफॉर्म करते हैं। दैट इज ऑल योर कोऑपरेशन। अब हम बात करते हैं ब्लॉकबस्टर की, होता है ना कुछ कैंप, कुछ दोस्त, कुछ कलाकार, कुछ सुपरस्टार ऐसे होते हैं ना जिनके साथ काम करके आप ये नहीं देखते कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, मेरा रोल कितना बड़ा कितना छोटा, यू आर हैप्पी एंड वो आपके करियर बुक में एक सुनहरे शब्दों में नोट हो जाता है। तो आपकी ब्लॉकबस्टर फिल्म अभी रिलीज हुई राधे, जिसका कि सब लोग वेट कर रहे थे, और मैं देख रहा हूँ उसमें आपने जो एक्ट किया है वो मुझे लगा कि मैं कोई देसी चार्ली चैपलिन को देख रहा हूँ क्या, वो आप चुप खड़े हैं ऐसे एंड सलमान खान आते हैं और वो ही मेरे ख्याल से कोई इन्फॉर्मेशन आपसे वो पूछ रहे हैं, मैंने राधे भी देखी नहीं है, तो और आप चुप शांति का एक ही उसमें वो पैसे निकाल के रखते हैं आप बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, और फिर दूसरे सेकंड वो चुप फिर पैसे बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, तो वो जो एक जो एक जो लम्हा है उसे आप कैसे व्यक्त करना चाहेंगे? इनफैक्ट ओवरऑल मैं पूछूंगा कि राधे के एक्सपीरियंस को आप कैसे व्यक्त करना चाहेंगे? देखिए राधे, पहली बात तो ये बता दूं, एक बड़ी फिल्म का हिस्सा बनना
वो वाकई एक बहुत अच्छी बात होती है अपने लिए एज एन एक्टर, क्योंकि उससे बड़ा एक्सपोजर मिलता है, यही वजह कि हम करते हैं। और बड़ी फिल्म में जब हम कोई छोटा सीन करते हैं तो उससे हम लोग प्रचलित तो होते हैं, उसके अलावा पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं, उम्मीद से दुगना मिलता है, वो एक अच्छी बात है। पैम्परिंग बहुत मिलता है। लेकिन आपको ये बता दूं, चार सीन थे मेरे, जिसमें से दो रह गए, दो कट गए, और वो अंडरस्टूड रहता है, हम लोग उसके लिए ये नहीं मालूम है कटेगा तो, क्योंकि बड़ी स्वाभाविक है। लेकिन एक और अच्छी बात यह है कि आप लोगों को जानकर के अच्छा लगेगा कि ये सलमान भाई के साथ मैं 8वीं बार काम कर रहा था। उनके साथ मैंने दबंग 2 की थी, बहुत उसी ग्रेट हो की थी, फिर बाद में 10 कदम प्रोमो किया, वेस्ट डिटर्जेंट ऐड किया, फिर एस्टल पाइप का ऐड किया, किक की, तो मैंने काफी बार काम किया। तो और सलमान भाई बाय नेम जानते, तो चूंकि हम ये जानते थे दुष्यंत भाई, वो उधर भी एक कंफर्ट जोन हो जाता है। और जब आपको स्टार और प्रोड्यूसर दोनों आपको जानते, प्रोड्यूसर भी वही खुद थे, दोनों आपको जानते, तो ग्रुप बन जाता है, सीन मेरा हो गया फिर। दोस्तों, हम लोगों ने बात की आज राजकुमार कमेज जी से, हास्य जगत की बात करें हम, और कला जगत में अगर हास्य जगत की बात करें तो एक बहुत ही गोल्डन हस्ताक्षर हैं ये, और सब लोग इनके साथ खुश रहना चाहते हैं, इनके साथ हंसना चाहते हैं। कई बार इवन हम लोग इवन मीटिंग्स में ये भी होते हैं, तो हम लोग वो पल की परीक्षा करते हैं आपस में ही, ये भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं, जब कॉफी शॉप रेस्टोरेंट बैठे रहते हैं हम लोग, यार ये मीटिंग खत्म हो तो फिर चलो बैठ के हम लोग चलो बातें करेंगे। तो ही इज अ काइंड ऑफ पर्सन, आप भी इनको पकड़ सकते हैं, इनको पकड़ना बहुत आसान है। मैंने आपको फिर बताया, ये आपको मुंबई के अंधेरी उपनगर के लोखंडवाला की किसी भी कॉफी शॉप में कभी भी नजर आ सकते हैं। तो आप लोग उन कॉफी शॉप में जाना शुरू कर दीजिए और इनको आप पकड़ सकते हो। यकीन मानिए, इनको पकड़ेंगे आप तो ही नेवर से नो, ये आपसे बात करेंगे, आपसे नंबर एक्सचेंज करेंगे, और सोशल मीडिया भी आपने फॉलो कीजिए। साथ ही इस बात को आप देख सकते हैं, इस इंटरव्यू को आप देख सकते हैं दुष्यंत कॉर्पोरेशन के प्लेटफॉर्म पे लाइव मेरे यूट्यूब चैनल पे, और एज वेल एज राजकुमार कनौजिया जी के भी सोशल मीडिया नेटवर्क पे। तो स्टे ट्यून्ड विद मी, और अगेन थैंक यू सो मच राजकुमार जी, आप आए, आपके साथ बात करने में समय कैसे निकल गया कुछ पता नहीं लगा। सो अगेन वी कैन एंड विद द सबके साथ, तो हम नमस्ते एंड करते हैं, आपके साथ एंड करेंगे याहू से। सो 1 2 3 एंड याहू।